हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अगस्त असाइनमेंट कक्षा 12वीं मनोविज्ञान का फुल सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत जरूर जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि का क्या अर्थ है? किस प्रकार त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने में हमारी सहायता करता है? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है? अभिक्षमता का मापन कैसे किया जाता है? तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि एक अकेली इकाई नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं मौजूद हैं। गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि क्या है? बुद्धि के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर दिया हुआ है, बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र और मनोवैज्ञानिक में इसका अर्थ और महत्व कई ज़्यादा है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर एवं लिगेर से बना मिलकर बना है। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद हैं, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है। फिर इसके बाद दिया हुआ त्रिचापीय सिद्धांत देख लेते हैं। त्रिचापीय सिद्धांत क्या दिया हुआ है? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने मानव बुद्धि पर कार्य किया। इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम हो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, तथा यह भी जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा हो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में तीन प्रकार की बुद्धि होती हैं। तीन प्रकार में सेवाएं किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। घटकीय उपसिद्धांत, अनुभवी उपसिद्धांत, तीसरा दिया हुआ है संदर्भात्मक उपसिद्धांत। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दिया हुआ है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की यह विशिष्ट योग्यताएं तथा कौशल ही अभिक्षमताएं कहलाती हैं। उचित प्रशिक्षण देकर इन योग्यताओं में पर्याप्त अभिवृद्धि की जा सकती है। अभिरुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में रुझान और सफलता प्राप्ति की रुचि होना। अभिक्षमता का मापन अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के अनुसार प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बहु अभिक्षमता परीक्षण माला, इस परीक्षण माला का तात्पर्य उन परीक्षण मालाओं से होता है जिसके द्वारा एक साथ कई क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमताओं का मापन होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हमको मिला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दिया हुआ है, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है। जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। बुद्धि केवल एक योग्यता ही नहीं है, परंतु इसमें अनेक तरह की योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक बैसलर ने बुद्धि को परिभाषित किया, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। बुद्धि तीन प्रकार की होती है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि वह समान मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है तथा व्यवहार कुशलता के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी अच्छा बनाता है। दूसरा दिया हुआ है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त चिंतन का तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से है जिसमें व्यक्ति शब्द तथा गणितीय संकेतों एवं चिन्हों को आसानी से समझ जाता तथा उसकी व्याख्या कर लेता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है।
दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upboard.live, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उनकी भी मदद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।